दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के पहले दिन के खेल के हवाले से भारत की बदतरीन नाकामी पर हम भारतीय मीडिया के दिमाग में देखेंगे। वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है, वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। आइए हम चलेंगे वीडियो की जानिब। भाई ऐसे ओए ये कैरी क्यों नहीं कर रही आज यार, पिच दो तीन बार हो चुका है यार। ये बॉल नीचे भी रही, कैरी भी नहीं की, दिया गए फिर निकल के साइड। कितनी बार बचेगा यार, कितनी बार बचेगा यार। एक तो लेकिन एक तेज कौन खेलेगा, 100 कौन मारेगा 100 बॉलों पे? जैसे ऋषभ पंत मारता तो कोई मार सकता है आपकी बैटिंग में? उम्मीद मत रखना कि 100 की स्ट्राइक रेट से कोई मार दे। इवन शुभमन भी नहीं मार पाएगा। मार सिराज के पास जा रहा है वो ठुकाई खा रहा है, वो उमेश के पास जा रहा है वो ठुकाई खा रहा है, उससे शमी को बीच में डाला चांस बना कैच ड्रॉप हो गई फिर ठुक गए वो भी, और जडेजा के पास जा रहा है नहीं हो पा रहा, वो करे क्या, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। शार्दुल ठाकुर को ले आओ फिर से, शार्दुल ठाकुर को लाओगे 4.5 की इकोनॉमी से वो पिट रहा है, परेशान हो गया होगा भाई। मैं जिसको बॉल दे रहा हूँ तुम लोग कभी इधर कभी उधर पिटे ही जा रहे हो, क्या उमेश करेगा? उमेश यादव ने अगर आप पहले बॉल डाल के सामने वाली टीम इतने बड़े मैच में बोर्ड के 400 रन लगा दे तो यार आप फिर कंडीशंस नहीं खेलते हो, आप स्कोरबोर्ड खेलते हो। हेड नहीं, हालांकि उसने आपको बच्चे की तरह मारा है। एक दो उसने सिराज को पहले ठोका, शमी भाई को एक ओवर में 2 चौके मारे, सबको मारा। जडेजा ने थोड़ी ऊपर बॉल करा दी, उसको कवर से मार दिया, 10 चौके मार चुका है वो। सब लाइन लेंथ का पता ही नहीं है, कहां पे लाइन जा रही है, कभी लेंथ जा रही है। आप को शार्दुल ने विकेट जरूर ली बट इतनी मार खाना, 4.5 रन पर ओवर वो दे रहे हैं। उमेश यादव को देख लो, उमेश यादव एक दो सरप्राइज एलिमेंट आता है बीच में, वो भी मारी खाए जा रहे हैं। सभी रविंद्र जडेजा आए अपने ओवर जल्दी जल्दी कर रहे हैं बट क्या वाकई थ्रेटन कर रहे हैं बैटर को? ऐसे मारा है बेरहमी से, 10 चौके मार चुके हैं ऑलरेडी। बेरहमी मतलब उसने किसी की भी इज्जत नहीं रखी। स्मिथ को भाई तू आए, शमी भाई आ रहे हैं 2 चौके, सिराज आए आजा भाई तू आजा, वो जडेजा ने एक बॉल ऊपर करी तू आजा भाई, उमेश यादव चल तू आजा, उसने किसी को भी नहीं, शार्दुल ठाकुर ठोक के रख दिया, किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं बख्शा। और वो तो प्रेशर में आया था भाई। ट्रेविस हेड के बारे में लग नहीं रहा कि आपने हजूरे वाला कुछ ज्यादा पढ़ाई करी या लिखाई करी, बिकॉज उसने तो आपको ऐसे मारा है, ठोका है और बच्चों की तरह। सर ये भी आप ये देखो कि कौन रन बनाएगा इस स्पीड से, कौन रन बनाएगा भाई ये बताओ आप, जिस स्पीड से ट्रेविस हेड बना रहा है। आप कितने इजी दे रहे हो यार, आप करें आपने रन पिछले एक घंटे का अगर आपने क्रिकेट देखा हो ना, आपने बहुत इजी रन दिए हैं, सिंगल छोड़ दो, बाउंड्रीज, 3-3 चौके आ रहे हैं एक ओवर में। इस मैच में अभी तक ये 2 सेशन खत्म हुए हैं, आपको 2-3 ऐसे ओवर मिल जाएंगे जहां पे आपने 14-14, 16-16 रन खाए एक ओवर में। भाई क्या मतलब है इन चीजों का? और भैया तो सिंगल तो इजीली जाएंगे, या तो आप चौके रोक लो या फिर आप सिंगल रोक लो। आप अगर फील्ड खोलोगे तो आप तो सिंगल दोगे ही ना बहुत इजी। लेकिन भैया एक गेम आपको घेर लिया, मतलब जो काउंटर अटैक आपने किस इंटेंट के साथ आया यार, ट्रेविस हेड ने आते ही बल्ला चलाया। ट्रेविस हेड ने आप उसकी पारी देखो आज की यार, आपने पहले ही बोला था अगर सिराज और शमी नहीं खा पाए तो ये खा जाएगा सबको, उसने वही किया है। आप देख लो पूरी टीम इंडिया के पास प्लान भी नजर नहीं आ रहा, प्लान भी था ही नहीं आपके, नहीं ना बाउंसर ट्राई कर रहे हो ना फील्डिंग के हिसाब से बॉलिंग कर रहे हो। मैं ठीक है चौके मार रहे ना, अरे भाई ऑफ साइड पकड़ लो ना, एक पैड पे बॉल दे रहा है, कोई कट खेलने के लिए उन्हें मौका दे रहा, भाई आपने क्या प्रेशर लगाया उस तरीके से? नहीं लगाया, आप प्रेशर लगा ही नहीं पा रहे। 38वीं हाफ सेंचुरी स्टीव स्मिथ की और वही ट्रेविस हेड की 6 सेंचुरी, और एस बॉल क्रिकेट वाले अंदाज में उन्होंने ताबड़तोड़ शॉट्स खेले और खासकर उन गेंदबाजों को उन्होंने निशाना बनाया जो खासकर भारतीय टीम के त्रूप का इक्का कहे जाते थे। मोहम्मद सिराज पर उन्होंने जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले बोले, उन पर एक फ्लिक शॉट खेला उन्होंने, इससे ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपर हैंड है उसका। सुपास से भारतीय खिलाड़ी एक विकेट के लिए तरसते रह गए और आलम यह है कि चाय के बाद अभी तक कोई विकेट नहीं गिरा है, लेकिन उससे पहले ट्रेविस हेड 105 गेंद पर अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं। तो ये सेंचुरी बनी है, उसने कई तरह के भारतीय गेंदबाजी पर सवाल खड़े कर दिए हैं, और जो आपके 2 फ्रंट लाइन बॉलर हैं खासकर मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज, उन पर जो उन्होंने जिस तरह से निशाना साधा है उससे मैं कहूँगा कि उमेश यादव और खासकर शार्दुल ठाकुर दोनों सहम कर रह गए होंगे, क्योंकि दोनों पर आज खुलकर प्रहार किए गए और खासकर लेंथ से वो जूझते हुए दिखाई दिए हैं। शार्दुल वार्नर ने एक ही ओवर में उनके 4 चौके लगाए थे, और वहीं ये पार्टनरशिप में कितने रन अभी और जुड़ेंगे वो देखना ऑस्ट्रेलियाई दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण। ट्रेविस हेड ने खेला है बैस बॉल, जो इंग्लैंड बैस बॉल के लिए जाना जाता है। ट्रेविस हेड का अंदाज भी है, इनफैक्ट दिखा भी रहे थे कि इस WTC साइकिल में, पूरे WTC साइकिल में उनसे बेहतर स्ट्राइक रेट उस इंग्लैंड लाइनअप में भी किसी का नहीं है जो बैस बॉल के लिए
एक तरीके से जानी जाती है। गलती क्या है कि आप अर्ली ऑन जो आपने पैडों पर बॉलें दी हैं वहां पर आपने अलाउ भी किया ट्रेविस हेड को कि आप आओ भाई खेलो सेटल इन हो जाओ और आराम से मौज खेली ऑफ ड्राइव के लिए हम सब तो सीधे चलते हैं ओवल जहां पर विक्रांत सर मौजूद हैं और हम ये सेट ट्रेविस हेड ठीक है वो अटैकिंग अग्रेसिव बल्लेबाज हैं बड़े रन भी करे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बट जो गेंदबाजी हुई पैडों पर रूम मिला उन्हें वो शायद आपकी गलती थी वहां पर जहां पर आपने अलाउ किया कि आप कैश इन कर जाओ पूरा। यार पता क्या होता है मनोज जी जब आप इस तरह का फैसला लेते हो ना सॉरी मैं बार बार वहीं पर जा रहा हूँ मेरी सुई भी अटक गई है टॉस जीतते हो आप और आप कहते हो कि हम बॉल डालेंगे इस तरह का फैसला लेते हो ना सॉरी मैं बार बार वहीं पर जा रहा हूँ मेरी सुई भी अटक गई है टॉस जीतते हो आप और आप कहते हो कि हम बॉल डालेंगे टेस्ट क्रिकेट की रिवायत तो डिफरेंट है बट आप जब मोमेंट कहते हो कि हम बॉल डालेंगे तो दबाव आप पर होता है। आई थिंक इनिशियली आधा घंटा रहेगा बैटिंग टीम पे दबाव उसके बाद दबाव रहता आप पे क्योंकि आपने प्रूव करना है कि नहीं यार हमने सही फैसला लिया हमने सही पता था कि जो सुबह कंडीशन थी आपने जब 10 बजे टॉस हुआ आई थिंक आपको तो नहीं पता था 11:30 धूप आ जाएगी। अब देखो दूर दूर तक आसमान में बादल नहीं है और ये पिछला सेशन आपने देखा है और 8-8 विकेट बननी शुरू हो गई है मतलब कल आप देखेंगे और बेहतर होगी आज थोड़ा सा स्लो भी बॉल आ रहा है अगले कल आप देखेंगे पटाखा मतलब विकेट हो जाएगी अगर आप पहले बॉल डाल के सामने वाली 30 की बॉलिंग प्लान ही नहीं है भाई ओए यार उससे क्या हुआ ना आपने बिकॉज देखो मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि जब आप कहते हो टॉस जीत के हमने बॉल डाला तो देयर कुड ओनली बी टू रीजंस एक रीजन होता है यार कंडीशन ऐसी है हम ना खोल के रख देंगे बॉलिंग करके दूसरा रीजन ये भी होता है यार ये कंडीशन ऐसी है जब बैटिंग छोड़ देते हैं। अब मेरी बात समझ रहे आप पहले बॉल डाल रहे हो और आप 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर के साथ चल रहे हो तो ये भी मुमकिन नहीं होगा ना आपको 4 फास्ट बॉलर तो खिलाने थे अब उस चक्कर में आपने 4 फास्ट बॉलर भी खिला दिए आप अब चाबी आपने ऑस्ट्रेलिया को पकड़ा दिए पहले आप इसमें बट ऑस्ट्रेलिया जो है आगे निकल रहा है अगर आप देखिए डिसीजन लिया जो टॉस पे डिसीजन जस्टिफाई नहीं किया ना आपने आप दूसरा इसमें गलती ये भी रही ना कि जो हम फॉलो अप रहा आपने आज ठीक है अभी आप ब्रेक के बाद विकेट ले ली मैं वही कह रहा हूँ कि ट्रेविस हेड को आपने आप थोड़ा सा उनको टेस्ट तो करते आपने वो पैडों पर बॉल मिल रही है वो रूम मिल रहा है आउटसाइड ऑफ अब बात बॉल आपका हिल नहीं रहा कहां से हिलेगा इतनी धूप निकली हुई है इतना वार्म वेदर है आसमान में एक बादल का टुकड़ा नहीं है तो बॉल हिलेगा नहीं ना अब बॉल हिलाए बिना आप क्या करोगे यार बहुत जीत के पहले बॉल डाल रहे हो और आप 7 की फील्ड से बॉल डाल रहे हो वो नहीं होगा तो आपको अगर आपको विकेट टेकिंग बॉल फेंकने के लिए बॉल आगे फेंकना ही पड़ेगा अब बॉल हिलेगा नहीं आप कहते हैं हमने टॉस जीता हम बैटिंग करेंगे आओ बॉल डालो जितना दम है तुम बॉल डालो अगर हमने एक सेशन निकाल दिया फिर तुम्हारी पिटाई करेंगे बोर्ड पे लगाएंगे हम 350-400 रन दैट वुड हैव मेरे ख्याल से आई थिंक ऑस्ट्रेलिया सेंस्ड खुशी है वो कुछ बोल ही नहीं रही है उनका तो मुंह मतलब बंद हो गया जब से उन्होंने देखा ये सेशन WTC का प्रेशर उनके ऊपर लेकिन कभी बॉल इधर जा रही है कभी लेग स्टंप के बाहर कभी ऑफ स्टंप के बाहर आप पिटते भी गए वो कुछ चेंज होती भी नहीं आप 2 महीने से 4 ओवरों पे दूसरा आपका दूसरी टीम आपको दूसरी टीम आप 15 दिन सबसे बड़ा फेलियर 3 दिन से उन्होंने खेली नहीं है कॉम्पिटेटिव क्रिकेट आप तड़पते हो कि ऐसा कंडीशन हमें मिल जाए बॉलिंग फ्रेंडली और आप यहां आके ऐसी बॉलें डाल रहे हो और रोहित शर्मा ने तो यही कहा था भाई हम तो यूज्ड टू हैं अब ऐसे क्रिकेट खेले जाते जो फैक्ट है ये कोई एक्सपेक्टेड भी है आप मैं ये बोल रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी बैटिंग करी और उन्होंने उनको फायदा ये मिला कि इंडिया की